अगली खबर है नेताओं से जुड़ी हुई, जहां महज 3 दिनों के बाद कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुनने जा रही है। फिलहाल इस रेस में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर का नाम है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन राज्य में हुई राजनीतिक उथल पुथल ने सारे समीकरण ही बदल दिए। कहा जा रहा है कि गहलोत अब राजस्थान की गद्दी पर बने रहने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सवाल उठता है कि उनका फेवरेट कौन है और वह किसे प्रमुख बनते देखना चाहते हैं। खुद उन्होंने ही ट्वीट के जरिए इसका जवाब दिया है। गुरुवार को ही गहलोत ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह खड़गे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्टी के बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं। जो व्यक्ति लगातार 9 चुनाव विधानसभा के और 2 चुनाव लोकसभा के जीते हों, आज राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं। आप सोच सकते हैं कि 50 साल से अधिक का अनुभव आज जिंदगी में हो गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि वह भी खड़गे के प्रस्तावक बने हैं। उन्होंने लिखा, मैं उम्मीद करता हूं जो भी डेलीगेट है वो भारी बहुमत से मल्लिकार्जुन खड़गे को कामयाब करेंगे। कामयाब होने के बाद में वो हम सब का मार्गदर्शन करेंगे व कांग्रेस मजबूत होकर प्रतिपक्ष के रूप में उभर कर सामने आएगी। यह मेरी सोच है, मेरी शुभकामनाएं हैं। खड़गे साहब भारी मतों से कामयाब हो। सितंबर के मध्य तक गहलोत को पार्टी के शीर्ष पद के लिए होने वाले चुनाव का विजेता माना जा रहा था। हालांकि वह लगातार वायनाड सांसद राहुल गांधी से दोबारा कमान संभालने की अपील करते रहे और उन्हें मनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल भी पहुंचे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खबरें आती रही कि वह राजस्थान के सीएम पद पर भी बने रहना चाहते हैं, लेकिन उस दौरान उदयपुर घोषणा पत्र को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। घोषणा पत्र के अनुसार एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। बाद में राहुल के बयान ने स्थिति एकदम साफ कर दी। इधर राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गद्दी संभालने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि जब खड़गे और अजय माकन पर्यवेक्षक के तौर पर विधायकों से बात करने पहुंचे तो हंगामा खड़ा हो गया और कई विधायकों ने पायलट के सीएम बनने की संभावनाओं के बीच इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। कहा जा रहा है कि विधायकों के रवैये से गांधी परिवार खासा नाराज हुआ था। बाद में गहलोत ने दिल्ली पहुंचकर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और ऐलान कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्टी के बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं। जो व्यक्ति लगातार 9 चुनाव विधानसभा के, 2 चुनाव लोकसभा के जीते हों, राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं। आप सोच सकते हैं कि 50 साल से अधिक का समय जिंदगी में हो गया, इतने अनुभव प्राप्त किए, चाहे असेंबली में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा के अंदर है, तो हम लोग प्रस्ताव उनके बने हैं। प्रस्ताव भी कौन सी डिसीजन लिया कि ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात कर चुका है, वो व्यक्ति जो हिंदी और इंग्लिश में कमांड रखते हैं और जिस रूप में उन्होंने जीवन जिया है, संघर्ष में जीवन जिया है, जिससे कि कांग्रेस जन भी उनसे प्रेरणा ले सके, तो कांग्रेस अध्यक्ष को बनना चाहिए जो कि संगठन में, विधानसभा में, लोकसभा में लंबा अनुभव के साथ में, उनका जो व्यवहार है कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में उनके संपर्क हैं, उनकी हैसियत है आज तमाम विपक्षी दलों से वार्ता करने की, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ में जो संघर्ष है वो तमाम विपक्षी दलों को मिलकर लड़ना है, और तमाम विपक्षी दल मिलकर जब लड़ेंगे तो एक ऐसा व्यक्तित्व कांग्रेस अध्यक्ष होगा जो कि सब पार्टियों के साथ लेने की क्षमता रखता हो। वो तमाम योग्यता देख करके मैं समझता हूँ कि हम सब ने उनका प्रस्ताव बने। हम लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी डेलीगेट हैं वो भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे और कामयाब होने के बाद में ये हमने सबका मार्गदर्शन करेंगे और कांग्रेस मजबूत होकर के प्रतिपक्ष की नेतृत्व पार्टी के रूप में उभर के सामने वापस आएगी। ये मेरी सोच है
मेरी बहुत शुभकामनाएं कि खड़गे साहब भारी बहुत से कामना बहुत धन्यवाद है।